ऑल राइट आई होप वी आर लाइफ और मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही होगी सो so, अगर सभी मुझे देख पा रहे हैं सब कुछ सही आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे एंड मोर देन टेन स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दिस क्लास दैट्स लवली एक बार पहले भी लेने की कोशिश करी थी मैंने वेली क्लास बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू सम समूज ये बोर्ड अरेंज नहीं हो पाया था समथिंग दैट तो इसलिए वो फिर मैं ढंग से ले नहीं पाया था तो इस बार मैं ये क्लास पूरी ढंग से लूंगा और आज के बाद आपको ये स्टेटमेंट एक्शन के बारे में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आता ना हो इस बात की गारंटी हमारी है ठीक है आप जब पूरी क्लास देख लेंगे तो आपको सब कुछ आता होगा वी हैव लॉट ऑफ नाउ मोर देन ट्वेंटी आई कैन सी दैट्स परफेक्ट ठीक है जी uh, सबको वॉइस आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिख दें यस सर क्लियर वॉइस ओके सो वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम्प माई नेम इज गुरप्रीत सिंह डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके और इनडायरेक्टली कैट एंड अदर एम बी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आपकी आर सी के अंदर पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है सो इस क्लास को ध्यान से सुनेंगे जो भी बच्चे एनमेट दे रहे हैं और जी मैट दे रहे हैं कितने आते हैं एनमैट के अंदर दोनों हंड्रेड परसेंट क्रिकल रिजनिंग के अंदर दिखेंगे समटाइम्स ये चार भी हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऐसा कहीं नहीं है कि कोई आए या ना आए आएगा ही क्वेश्चन इसका तो आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा और ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं स्टेटमेंट कंजन हो गया स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो गया

प्रोफाइल्स ऑफ फाउंडन को फाउंडर उन लिख आप फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे रिकमेंडेशन सेक्शन में जाके आपको रिव्यूज भी दिख जाएंगे एल फोरी स्टूडेंट्स के एंड अगर आपने अभी तक आपने गेट मेट्रो प्रोग्राम नहीं लिया है तो आप उसमें ले सकते हैं इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बस करना क्या है इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है डी डाइटो लिखना है एंड विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स आपको मेटो मिल जाता है संडे को रिप्लाइस नहीं आते बाकी सब दिन काम चलता है फॉर्म फिलिंग में असिटेंस मिल जाएगी प्रोफाइल्स कॉलेज एंड एग्जाम की नोटिफिकेशन जैसे अभी यह क्लास होगी इसकी सबको गई है साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाते हैं और अदर कोई क्वेरीज हो तो वही आप पूछ सकते हैं नाउ सबसे पहले हम पहुंचते हैं स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है यहाँ पे सीखेंगे तो वट इज स्टेटमेंट एनम्शन स्टेटमेंट इज बेसिकली बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अवर शॉप एंड गेट थर्टी परसेंट डिस्काउंट एक एडवर्टीजमेंट ने ये लिखा है तो ये एक स्टेटमेंट है स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है कोई भी एक चीज किसी भी बात को एक स्टेटमेंट बोला जा सकता है Assumption आप उससे क्या क्या सोच सकते हैं सो so, अगर देखिए फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आप क्या क्या सोच सकते हैं एडवर्टीजमेंट करी जा रही है गिवन टू अर्न मोर मतलब उनको और पैसे कमाने या फिर एडवर्टीजमेंट करी जा रही है गिवन टू अट्रैक्ट मोर पीपल कि वो और लोगों को अपनी तरफ ले पाए या फिर आप कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट करी जा रही है ज्यादा लोगों से ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये दोनों भी तो हो सकते हैं वन एंड टू भी हो सकता है तो जो स्टेटमेंट्स है अज्यूम हो सकता है वो एक स्टेटमेंट एक एजम्पन भी हो सकती है दो भी हो सकती है दो से ज्यादा भी हो सकती है ज्यादातर अगर हम एनमेट की बात करें या जी मैट की बात करें तो इन दोनों के अंदर एक स्टेटमेंट होती है और एजम्पन कितनी आती हैं तीन या तीन से ज्यादा दो वाली नहीं आती है वो बैंक पीओ या एस एग्जाम्स में रहती है तो हम इसमें भी तीन वाले से या स्टार्ट करेंगे या तीन से ज्यादा करेंगे तीन से कम पे नहीं आती है ठीक है तो उसकी कम से प्रैक्टिस वाली भी मत करना ये सारा कंटेंट आपको हमारी एनम साहब की ई बुक जो है उसके अंदर सब मिल जाएगा बेसिक से पढ़ाया हुआ है उसी के अंदर भी पूरा मिलेंगे uh, सारे के सारे ठीक है तो अगर आप वहां पर लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा ना uh, uh, सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन फॉर इन वैलिडिटी ऑफ एजम्पन किस तरीके से आप एजम्पन नहीं मान सकते किन चीजों को नहीं माना जाता एन अजम्पन इज सेट टू बी इनवेलिड इफ इट हैज नो कनेक्शन विद द गिवन स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट है गेट दी हाउस पेंटेड बिफोर दिवाली अक्षिता ने अपने हस्बैंड गुरप्रीत से कहा ठीक है तो घर पेंट करा दो दिवाली से पहले पहले अब यहाँ पे एजाम्शन क्या है कि गुरप्रीत डज नॉट नीड टू डू अक्षिता सेस। कि भाई अक्षिता ने जो बोल दिया उसको करने की जरूरत नहीं है ये चीज इस स्टेटमेंट से रिलेवेंट हो रही है नहीं हो रही है ये एजम्शन नहीं मानी जा सकती और ये रूल में भी आएगा आगे मैं दिखाऊंगा आपको ठीक है

वो कभी भी इम्प्लिसिट नहीं होती इमिसिट मतलब कि ये right है नहीं। उसको ऐसे आप स्टेटमेंट क्या फॉर एग्जाम्पल बुक क्या है नो अदर बुक पब्लिश बाय फॉर एज बुक एनमेट एंड स्नैप सेम बात बोलिए ना सेम ही बात है कोई डिफरेंस तो है नहीं इस बात में तो इसीलिए ये भी एज्पन इनवेलिड है जब अगर सेम बात बोल दी बस घुमा के तो वो वही एजम्पन नहीं होती क्लियर नाउ नेक्स्ट इज इज थर्ड इफ द गिवन एन ऑब्वर्जन ऑब्वर्जन मतलब होता है बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूं आप गूगल करेंगे तो भी समझ नहीं आएगा ऑब्वर्जन मीन्स कोई भी बात को री स्टेटमेंट करना बट इन नेगेटिव वे वो भी देखोगे आप नेगेटिव वे में उसी बात को दोबारा बोल देना ठीक है एंड ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट

इन सिलोजिज्म हमने पढ़ा है कि वी कैन कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट टू द इमीडिएट इन्फ्रेंस फॉर एग्जांपल सिलोजिज्म में सम कैट्स आर डॉग्स होते हैं तो सम डॉग्स आर कैट्स भी होते हैं ये सिलोजिज्म में सही होता है ठीक है कि अगर सम मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको सिलोजिज्म आता है तो ठीक है नहीं आता है, तो कोई बात नहीं मैं समझा रहा हूँ सम डॉग्स आर कैट्स ये सम डॉग्स आर कैट्स ये कॉमन पार्ट है

फॉर एग्जाम्पल ऑल टीचिंग शुड बी डन इन रिलीजियस स्पिरिट बिकॉज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लीड टू असिटी फॉर नॉलेज ओके मतलब की जो टीचिंग है उसको रिलीजियस वे से पढ़ाओ क्योंकि जो रिलीजियस लोग होते हैं वो की तरफ जाते हैं और क्रियोसिटी नॉलेज की वजह से आ जाती है मतलब बढ़िया ही होता है समझ लो लोन क्या है क्यूरियस आर गुड सारे जो भी क्यूरियोसिटी जिसके अंदर होती है सारे अच्छे लोग होते हैं ये चीज आपने जो एजम किया है ये गलत है क्या कोई ऐसे आई वाले नहीं होते जो जिन्होंने कभी फ्रॉड नहीं किया हो कि वो गलत काम नहीं करेंगे दे आर नॉट बैड पर्सन ऐसा नहीं होता ना तो ये फार फैस्ट हो गया मतलब बहुत ज्यादा ही सोच लिया ठीक है तो ये भी एक रॉन्ग एजम्पन हो जाएगी

कि एनम साइप की बुक पढ़ के शायद मे हेल्प शायद इंप्रूव हो जाए आपकी लॉजिकल एबिलिटी ठीक है तो ये एजन लगाना बिल्कुल ठीक है इसमें कोई गलती नहीं है बट ये आता है मेरे गुड गुड वर्ड्स वर्ड्स में आर ओके okay? अगर ये दिए हुए हैं तो हम एजम्स मान लेंगे अब मानते हैं बैड वर्ड्स बैड वर्ड्स वर्डिनेटली मतलब ओनली बेस्ट सर्टेनली स्ट्रॉगेस्ट ऑल फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट शुड टेक एवरी एफर्ट टू बूस्ट टोमेटो इम्पोर्ट एट एज इट्स क्राइसिस हैजन आपको सबको पता है टमाटर बहुत महंगा चल रहा है ढाई सौ तीन सौ रुपए तो एजम्सन क्या है

तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस भी देख लेता हूं अगर किसी को कोई क्वेरी हो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर ओके अजय रावत ने लिखा है अजय है मैं मुंबई हैव एमबीए इन जनर मैनेजमेंट होती है एमबीए कोर कहते हैं उसे गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सो यू आर एब्सोल्युटली ग्रेट एज यू हैव मेड ऑल दोस कॉलेजेस फॉर एमएम वेरी गुड थिंग टू यू इन दिस क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही बोला ये कौन से वर्ड्स है ये बेड वर्ड है सो so, अगर आपको कभी भी अजम्पन में इनमें से कोई ऐसे वर्ड जो डेफिनेटिव होते हैं फॉर एग्जाम्पल कि इंपोर्ट ही बेस्ट सोल्यूशन है जी बेस्ट इससे ऊपर कुछ है ही नहीं तो वो एज्शन नहीं मानते इम्पोर्ट रीजनेबली गुड रीजनेबल मतलब ठीक ठाक है यार अच्छा है अच्छा ऑप्शन लग रहा है कि अगर हम ये टोमेटो uh, को चाहते हैं तो ये मानी जा सकती इम्पोर्ट आर थी ओनली भाई यही है आप तो कुछ नहीं हो सकता अब हम टमाटर भी उगा ले तब भी क्राइसिस नहीं जाएगा तो ये भी खराब है फोर्थ टोमेटो क्राइसिस विल डेफिनेटली बी अवर्टेड बाई दी बूस्टिंग इम्पोर्ट ये भी डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली हो ही जाएगा

घर पेंट करा लो मैंने कहा चलना मैं नहीं सुन रहा ठीक है तो ऐसा नहीं हो सकता अगर ए ने बी को कुछ कहा है इसका मतलब ये है एज्यूम कर रहा है कि बी उसकी बात को सुनेगा ही सुनेगा ये स्टेटमेंट एजम्स में ऐसे रूल्स होते हैं ठीक है उसके बाद एनी फॉर्म ऑफ आर गिवन दैट द पीपल विल टू सच कोई भी होगी तो यह अज्यूम किया जाएगा लोग उसको कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे एनी फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट नोटिस आता है या ऑफिशियल नोटिस आता है एज्यूम किया जाता है कि लोग उसको अटेंशन देंगे अगर कोई भी अपील करी जाती है वो एज्यूम किया जाता है कि वो अपील का रिस्पॉन्स आएगा हंड्रेड वन परसेंट स्टेटमेंट एजमशन के अंदर लास्ट सिंगल पेमेंट कैन है क्वेश्चन थी, okay, करेंगे क्यू एन ए और मेरे को यहाँ पे कुछ बच्चों ने आंसर सही भी दिया है टू एंड फाइव वॉज दी राइट आंसर गाइज और यहाँ पर आंसर दिया है सही आदर्श ने दिया है धीरज ने दिया है धीरज तो हमारे बैच का बच्चा भी है एनमेट स्टैप का remember, क्लास की थी। इसलिए आज है तो एक बजे की स्टार्ट हो रहा है। uh, का बैच uh, मैं ऑपरेटर को बोल देता हूँ उसने डाल भी दिया, okay, yes, डाल दिया है, है अब आगे बढ़ते हैं पहला क्यू एन ए करते हैं ये पहला क्वेश्चन है इसमें डायरेक्शन भी है तीन चार क्वेश्चन उसके बाद डायरेक्शन कभी पढ़ने का टाइम वेस्ट मत करना अब आता हूँ सबसे पहले टाइम अभी क्वेश्चन sure नहीं होना चाहिए. अगर वो तीन से ज्यादा लाइन का है स्टेटमेंट अगर तीन से ज्यादा लाइन की है यू कैन स्किप क्वेश्चन द रीजन इज सारे ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं और अगर आप इतने लंबे लंबे क्वेश्चन पढ़ोगे आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले उसको बी या सी में से कोई भी एक मार्क करिए और हमेशा सेंटर मार्क करिएगा क्वेश्चन में आप बता देता हूँ लेट सपोज आपके पास चार ऑप्शन पांच ऑप्शन होते हैं पेपर में ए बी सी डी और ई e. ज्यादातर देखा गया है जब हम भी पेपर बनाते हैं तो ये तीनों में से कुछ रखते हैं और ज्यादातर आंसर्स इसी के होते हैं बी या सी में से तो आप हमेशा या तो बी चूज कर लो या सी और एक ही चूज करना थ्रू आउट द पेपर वही रखना ये नहीं है कि बदल रहे हैं बार बार कभी किसी को सी कर दिया कभी किसी को बी कर दिया एक ही रखोगे तो प्रेबिलिटी की वजह से

मुश्किल से आप दस ही कर पाओगे क्योंकि आपका टाइम ही बचेगा नहीं ठीक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप अच्छा दूसरी चीज जब भी आप सीए क्वेश्चन करेंगे ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ये सेम ही होती है अगर आप देखोगे थ्रू आउट द पेपर ये सारा सेम ही रहने वाला है ठीक है मैं थ्रू आउट जितने भी, भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ सब में ये डायरेक्शन सेम रहने वाली है तो ऑलवेज मेक श्योर की इसको जल्दी से एक लुक एंड फील रहो कि क्या लिखा है इसमें जल्दी जल्दी पढ़ो मतलब पूरा ऐसे इन ऑफ दी एग्जाम्पल्स बिलो इज गिवन ऐसे नहीं पढ़नी है मेन मेन चीजें देखो यहाँ पे थ्री जम्शन है नंबर दिया हुआ ऐसे ठीक है का समटाइम समथिंग है और यहाँ पे लिखा है डिसाइड करनी कौन सी दम्चेन? आर दैट्स इट अच्छा ठीक है अब आके नीचे क्वेश्चन पढ़ लो ठीक है इतनी ज्यादा डिटेल में जाओगे ना तो बहुत जल्दी पेपर खराब हो जाएगा एंड इज ऑल अबाउट स्पीड और ये चीजें सेम होती है प्रैक्टिस से आपको खुद ही समझ आएगी ये चीजें सेम होती है प्रैक्टिस करोगे ना आप उस उसमें पहुंच जाओगे नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन ओके okay, uh, काफी देर हो गई एंड सर हेलो सर इन योर विल यू बी कंडक्टिंग द लाइव टीचिंग इन योर इंस्टीट्यूट विल सी मेरे साथ तेजस मैं पढ़ाऊंगा मेरी वाइफ अक्षिता मैम और मेरा बेस्ट फ्रेंड जो आदित्य है स्टार्टिंग से हम ही पढ़ा रहे हैं ठीक है तो हम ही तीनों ही पढ़ाते हैं बस ऑल राइट यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट है धोनी इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री सोफा तेंदुलकर टू अ न्यूज रिपोर्टर तेंदुलकर ने न्यूज रिपोर्टर को यह बोला है कि धोनी जो है बेस्ट कैप्टन है अभी तक का क्रिकेट हिस्ट्री में assumption क्या है अदर कैप्टन वर्स्ट ये इम्प्लीसिट हो सकता है इंडिया विल नॉट गेट बेटर कैप्टन देन धोनी इन फ्यूचर ओके तेंदुलकर नोज दैप्टनशिप क्वालिटी ऑफ धोनी अब आप ऑप्शन देखिए ओनलीसिट ये हो सकता है कि अदर uh, कैप्टन बाकी सब बेकार थे ऐसा तो नहीं है भाई कपिल देव वर्ल्ड कप लाया फिर वो बेकार था

तेंदुलकर को पता है क्योंकि वो उसके नीचे राय के उसकी कैप्टनशिप में उसने काम किए तो ये वाली इम्प्लीसिट होगी थर्ड और हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओनलीवर नन इज इम्प्लीसिट तो नहीं है ठीक so, है सो सी आंसर है एंड काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे सी दिया परफेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया ठीक है सर दिस वॉज इजी क्वेश्चन अरे तो स्टार्टिंग से ही करेंगे भाई स्टार्टिंग में ही मैं क्या दे दू एकदम बम क्वेश्चन आधे लोग यहीं से क्लास छोड़ के भाग जाएंगे सीधा यहीं से ही सीधा क्लास की स्ट्रेंथ अभी छत्तीस है ना तो दो तीन रह जाएगी ओके okay? आगे करेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड से और एनमैट uh, में ध्यान रखना इन चीजों पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम आपके पास कितना है ये देखने वाली बात है सारा यहाँ पे आपके पास है खुला टाइम ओके टाइम्स अप गो एंड वोट आउट दी कांग्रेस फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूंसी अन्ना हजारे ने अपने एड्रेस में लोगों को ये बोला हिसार के लोगों को ठीक है यहाँ पे अन्ना वॉन्ट कांग्रेस डिफीट इन हिसार इलेक्शन अन्ना इज सपोर्टिंग बीजेपी विल इग्नोर दैट अन्ना वॉट सेड ठीक है पीपल इग्नोर कर देंगे ये तो नहीं होगा हमने पहले सोच लिया था कि उल्टा नहीं जाता अन्ना इज सपोर्टिंग बीजेपी ये इरेलीवेंट uh, हो गई ये भी बेकार है अन्ना वॉन्ट्स कांग्रेस डिफीट अन्ना चाहता है कि कांग्रेस हार जाए ये हो सकता है

कैट एल आर यू हैव टफ क्वेश्चन बट कैट के अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है ट्वेंटी और उसमें से 99% नाइन परसेंटाइज लाने के लिए आपको करने सिर्फ आठ क्वेश्चन, ठीक है? है, अगर आपको 99% टाइल लानी है, मतलब जो कि टॉप लाना है तो आपको आठ क्वेश्चन करने, है और तो आठ क्वेश्चन दो ही सेट करने, दो सेट करने के लिए आपको टाइम कितना मिल रहा है चालीस मिनट विच इज मोर देन एनमेट के अंदर यू है ठीक है चालीस से पचास मिनट के आसपास है तो ऑफकोर्स ये बात है क्वेश्चन तो ईजी है जैसे अभी आ रहा है बट हर क्वेश्चन के लिए आपके पास हार्डली एक आधा सेकेंड या एक मिनट ही होता है सेकेंड ही एक आधा मिनट ही होता है ठीक है या थर्टी सेकेंड होता है क्योंकि यहाँ पे आपको अरेंजमेंट्स भी आएंगे आगे और कभी को भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा कि आपको सीधे सीआर दिखेगी आपको अरेंजमेंट दिख जाएगा फिर सीआर दिख जाएगी फिर एक अरेंजमेंट दिख जाएगा फिर सी आर दिख जाएगी ऐसा भी होता है पेपर में और आप वापस जा नहीं सकते क्वेश्चन के ऊपर तो इस वजह से एनमेट टफ हो जाता है अगर आप इस क्वेश्चन को थर्टी सेकेंड में नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम प्रकाश डिसाइडेड टू तो गेट द रेलवे रिजर्वेशन इन अप्रैल फॉर दी जर्नी ही वॉन्ट्स टू मेक इन जुलाई टू मुंबई एजम्पन क्या है रेलवे देर आर मोर देन वन ट्रेन टू मुंबई देर विल बी वैकेंसी इन द डिजायर्ड क्लास क्या एजम्शन हो सकती है जल्दी से बताइए जल्दी जल्दी करिए हमारे पास आंसर्स भी आने लग गए भाई जल्दी सी यहाँ पर हमारे पास जो आएगा ये है कि प्रकाश ने साइड के मैं आ, मुंबई की जो ट्रेन है अभी बुकिंग कराया करा था अप्रैल में जुलाई से पहले जुलाई में जाना है तो रेलवे इशू करती है रिजर्वेशन थ्री मंथ्स इन एडवांस ये मान सकता हूँ मैं देर आर मोर देन वन ट्रेन टू मुंबई ये नहीं होगा वैकेंसी इन दी दिजायर क्लास ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं है ठीक है अब यहाँ पे जो ऑप्शन बचता है हमारे पास सिर्फ बी राइट आंसर है ठीक है इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन इन थर्टी सेकंड गुड टू को अगर नहीं कर पाए तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट इज राधा रोड सेकेंड लेटर टू हर फादर आफ्टर टू एज शी डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई टू द फर्स्ट लेटर अच्छा इसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन जी मैट से मैंने तोड़ के लिए हैं मैं पहली बता दू जी मैट के डायरेक्ट क्वेश्चन मैं नहीं दे सकता आपको क्योंकि अगर मैंने जी मैट के क्वेश्चन दिए तो ये वीडियो टेक डाउन हो जाएगा या फिर एन मैट के डायरेक्ट क्वेश्चन दिए तो मैंने बहुत सारे नाम वाम चेंज करें और मैं बोल भी नहीं सकता कि किस क्वेश्चन का नाम चेंज किया है दैट द लेवल ऑफ एन मैट अथॉरिटी दे कि अगर आपने उसमें एक भी क्वेश्चन लिया तो वो पूरी की पूरी वीडियो टेक डाउन करा देते हैं तो मैं पहले बता दूं इनमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ चुके हैं रियल पेपर में बट मैं नहीं लिख सकता कहीं पे भी ठीक है रीजन ये है कि वो देखेंगे वीडियो और टेक डाउन कर देंगे वेबसाइट भी बहुत सारे टेक डाउन देते हैं ऐसे वो अगर उनका एक क्वेश्चन भी ले लो तो ये बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ ऑल राइट right. राधा ने अपना सेकंड लेटर लिखा है अपने फादर को आफ्टर टू मंथ्स क्योंकि उसको पहले फर्स्ट uh, लेटर का रिप्लाई नहीं आया पहला क्या है राधा फादर डिड नॉट रिसीव द लेटर ये हो सकता है कि उसके पापा को पहला लेटर नहीं मिला सेकेंड द लेटर जनरली रिचीव विद इन अ वीक लेटर एक हफ्ते में पहुंच ही जाता है हर फादर प्रॉम्प्टली सेंड्स रिप्लाई टू हर लेटर्स उसके फादर प्रॉम्प्टली सेंड करते हैं हर रिप्लाई उसके लेटर्स को ठीक है इसमें से क्या आंसर आ रहे हैं आपके सबके वी आर गेटिंग किसी का सी आ रहा है और किसी का बी आ रहा है ओके सो बी और सी में तुलना चल रही है देखिए यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का भी है समझ जाओ मैंने जब ऐसा बोलूंगा तो वो समझ जाओ आ चुका कहीं ठीक है यहां पर जो राइट right आंसर है वो क्या कंफ्यूजन कहाँ होगी मैं बताता हूँ कंफ्यूजन यहां होगी फर्स्ट और थर्ड में इसमें नहीं होगी आपको कंफ्यूजन ये तो इरेलीवेंट होगी राधा ने इसलिए भेजा कि शायद उसके पिछले वाला लेटर मिला हुआ बट यहाँ पॉइंट क्या है तर्क क्या है ये तो वैसे ही पता चल जाता है ना आप चेक कर सकते हो कि आपका लेटर पहुंचा है नहीं पहुंचा अगर नहीं पहुंचा तो आपके पास वापस आ जाता जा है क्योंकि दो महीने बाद जा रहा है अगर कोई चीज नहीं अनडिलीवर्ड होती है तो आपके पास आ जाती है ठीक है इन इफ लिखा था ना आपके जब आप भेजते हो तो ये वाली चीज भी इसलिए रूल आउट हो जाती है और आंसर आपका बच जाता है थ्री और आंसर आपका आ जाएगा बी ठीक है सो so बी इज द राइट आंसर ओनली कि उसके पापा हर बार अच्छे से प्रॉपर् रिप्लाई कर देते हैं उसी समय उसके लेटर्स का बट इस बार नहीं आया इसलिए राधा ने लिखा है जबकि अब ये बंद ही हो चुका है अब तो से से चलता है और डबल टिक लगती काम खत्म हो जाता है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हटा दी ठीक है अब हम जल्दी जल्दी करेंगे और थोड़ी सी स्टेटमेंट अब बड़ी भी हो गई है तो थोड़ा दिमाग लगाना ठीक है एंड अब थोड़ा लेवल धीरे धीरे ऊपर रहा है याद रखिए, मैं कहीं पे भी नहीं बोलूंगा कि ये कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है बिकॉज अगेन द प्रॉब ऑल राइट आई होप अभी तक सबने पढ़ लिया होगा द पुलिस अथॉरिटी ऑफ इसका मतलब मतलब होता है कि सर्कल आउट कर देना एकदम घेराबंदी घेराबंदी कहते हैं पूरी लोकलिटी को घेराबंदी कर लिया फॉर द एंटायर डे एंड एंडर मूवमेंट जो थी गाड़ी वाड़ी चलना उसको रोक दिया फॉर द विजिट ऑफ अ टॉप फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट ये तो ऐसा जैसे हम सीपी चले गए दिल्ली में ऐसा बहुत बार होता है ठीक है आए दिन ही होता रहता है वहाँ पे तो कभी मोदी जी निकल रहे हैं कभी अमित शाह जी निकल रहे हैं तो गाड़ी

ओके सी 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 तो बीरत तो बार सी लिख दिया कि लग रहा है डे टू अवॉइड इनकनवीनियंस द गवर्नमेंट फंक्शनरी मे रिक्वेस्ट दुलिस अथॉरिटी टू लिव द बैन ऑन द मूवमेंट ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ द लोकैलिटी आउट साइड देर डिंग ओके इसका जो करेक्ट आंसर हम पहले बाद में आएंगे पहले हम देखते हैं जो पुलिस पर्सनल है वो शायद नहीं कर पाएगी इसको कंट्रोल में तो आर्म फोर्सेस को बुलाएगी ये तो इलेवेंट हो गया ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ नहीं लगाई जा सकती थर्ड वाला देखते हैं द गवर्नमेंट फंक्शनरी मे रिक्वेस्ट पुलिस को अथॉरिटी को टू लिफ्ट द बैन लिफ्ट हटा दो कि ऐसा बैन हटाने गली बात तो नहीं हो रही क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से किसी ने मूवमेंट होनी है गवर्नमेंट बंदे की तो इसलिए वो लगाया जा रहा है ठीक है अब आते हैं सेकंड पे पीपल पीपल लिविंग इन दोकेलिटी मे मूव आउट ऑफ देयर हाउसेज डे टू अवॉइड इनकनवीनियंस लोग खुद से बाहर आ जाएंगे मैंने क्या कहा था जब भी कोई ऑफिशियल अपील की जाएगी उसका कोई भी विपरोध नहीं हो सकता के अंदर। तो इसलिए ये भी नहीं होगा और यहां पर आंसर तो आ गया ए राइट आंसर इज ए नफ प्रथमेश अगर हो क्लास में अभी भी या भाग गए बच्चे टफ आने के बाद भाग जाते हैं ठीक है थीके? Uh, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स डायरेक्शन इसमें भी मैंने हटा दी जल्दी से करेंगे सी दिस इज द रीजन व्हाट आई एम सेइंग कि एनमेट के अंदर तीन से ज्यादा स्टेटमेंट भारी हो तो मत करना बहुत टफ हो जाता है ये जीमेट लेवल हो जाता है अभी तो जीमेट का और भी मजा क्वेश्चंस आते हैं बट अगली बारी और लूंगा ओके मैं टीम को बोल दूंगा चार टीम को तो देख लेंगे ठीक है लो जी अभी क्लास में पहले थे थर्टी नाइन लास्ट क्वेश्चन के बाद अब रह गए ट्वेंटी एट लगता है नेक्स्ट दसवें क्वेश्चन तक पहुंचते-पहुंचते दो तीन ही रह जाएंगे शेयर भी कर दिया करो यार सीआर कहां से प्रैक्टिस करें बेस्ट बुक बताइए एनमेट अल्फोरी की बुक है एनमेट मैप की ईबुक ऑपरेटर को बोल देता हूँ लिंक डाल देगा वो बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको इजीली सारा कंटेंट उसमें मिल जाएगा हर एक टॉपिक के ऊपर सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं वो आप करिए ओके okay. ठीक है जी अब करें क्वेश्चन द एपेक्स बॉडी कंट्रोलिंग यूनिवर्सिटीज इन द द द द कंट्री हैज डिसाइडेड टू टू रिवाइज सिलेबस ऑफ ऑल टेक्निकल कोर्सेज मेक देम टुवर्ड्स प्रेजेंट नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री देयर बाय मेकिंग द टेक्निकल ग्रेजुएट्स मोर एम्प्लॉयबल देन दे आर एट प्रेजेंट अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान हमारा ही नेबर कंट्री है उसकी अगर आप टेक्स्ट बुक उठाएंगे नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर वाली तो उसके अंदर आपको मिलेगी फ्लॉपी डिस्क आज भी पढ़ाते हैं वो सी के बारे में आज भी पढ़ाते हैं मतलब पूरे अच्छे से पढ़ाते हैं ये नहीं बताते कि सिर्फ फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी पूरा डिटेल में बट हमारे यहाँ पे नहीं है यही चीज होती है कि जो बॉडीज होती हैं वो ये कंट्रोल करती हैं कि बच्चे को अभी क्या पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं पढ़ाया जाएगा ठीक है और यही सारा कुछ ये सारी यूनिवर्सिटी सारे स्कूल्स मानते हैं तब ये एक ग्रुप के अंदर आते हैं ठीक है जैसे ए आई सी टी अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं मैं क्यों कहता हूँ आपको ए आई सी टी अप्रूव कॉलेज में जाना चाहिए बिकॉज वो अपना

ऑल राइट सो सी इज दी राइट आंसर एंड काफी लोगों ने सी और ए के बीच में दिया हुआ है सी इज दी राइट आंसर का इस यहां पर ठीक है नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन जल्दी से करेंगे ओके आई होप यहाँ पे आंसर आने शुरू हो चुके हैं प्लीज सजेस्ट पेपर बाउंड बुक्स फॉर ऐसी कोई बुक नहीं आती श्रुति आती होती तो हम ई e बुक क्यों निकालते अभी इतनी सेल होती नहीं कि हम उसको प्रिंट करा लें क्योंकि प्रिंटिंग की कॉस्ट ही बहुत ज्यादा होती है सैड ओके okay.

ठीक है है ये किया जा रहा तभी तो गवर्नमेंट अपील कर रही है तो ये शायद हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो सकता है और नहीं हो सकता है देखिए मे बी मे बी लिखा है इसलिए मैं इसको ले भी रहा हूँ नहीं भी ले रहा हूँ पीपल एट लार्ज मे रिजेक्ट द गवर्नमेंट अपील ये तो होगा ही नहीं ना मतलब अपील रिजेक्ट नहीं करते ओनली वन इज इम्प्लीसिड ओके uh, एंड okay. ये हो सकता ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ना ऐसे नहीं आएंगे आपको कैट के अंदर आरसी के अंदर एज्यूमशन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ये सीखना तो पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट एट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे ऑल राइट आई होप हो गया हो सर और सीमेंट का डिफिकल्ट लेवल एक ही है नहीं है बिल्कुल भी नहीं है एनमेट यहाँ है तो सीमेंट और नीचे है ज्यादा सा द गवर्नमेंट गवर्मेंट एज टू ऑप्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ टू प्राइवेट एंटिटीज इन सेवरल ब्लॉक्स अक्रॉस द कंट्री ऑन बिल्डिंग बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस ओके तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन निकाला कि भैया प्राइवेट एंटिटीज हमारे यहाँ के हाईवे बनाए अब इसमें से कौन सी है? एन एडवोकेट अमाउंट ऑफ प्राइवेट टू अगेंस्ट में जा रहा है हटा दो। कंट्री आर कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाईवे विद इन अ रीजनेबल टाइम ये एजम्पन लगाई जा रही है कि बहुत सारी एंटिटीज बना सकती हैं, ठीक है कुछ शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है थर्ड इज द गवर्मेंट प्रशियलीज हाँ प्राइवेटली कंपनीज को फाइनेंशियल बेनिफिट तो होगा ही होगा क्योंकि उनके पास काम आ रहा है तो ये तो हो ही सकता है ओके वन एंड टू आर इम्प्लीसिड ये तो नहीं होगा वन नहीं है ओनली टू इज इम्प्लीसिड नहीं होगा टू एंड थ्री आर इम्प्लीसिड ओके वन एंड थ्री आर इम्प्लीसिड ओके एंड नन ऑफ दबे हमारे पास आंसर क्या क्या आ रहे हैं आपका क्वेश्चन यार मैंने मिस कर दिया बाद में देखता हूँ कोई बात नहीं पहले क्लास ले लो ओके okay, हमारे पास तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं बी सी डी ई बी ओके वी आर गेटिंग आंसर्स ओवर सी यहाँ पर वन तो नहीं होगा ये है पक्का ठीक है सी सिर्फ सेकंड हो जाएगा वो भी आंसर नहीं होगा टू एंड थ्री मैं कह सकता हूं क्योंकि देखो मैनी प्राइवेट एंटिटीज इन दी कंट्री आर कैपेबल ऑफ तभी तो दे रही ना क्योंकि उनको लगता है कि प्राइवेट एंटिटीज बना सकती हैं ठीक है और रीजनल टाइम के अंदर अंदर बना सकती हैं इसलिए दिया जा रहा है ठीक है ये मान लेते हैं और गवर्नमेंट प्रपोजल क्योंकि उनको भैया फाइनेंशियल बेनिफिट होगा क्योंकि पैसे देगी क्यों फ्री में तो बनवा नहीं रही तो फाइनेंशियल कंपनीज को पैसा ही मिलेगा तो टू एंड थ्री आर इम्प्लीसिड और हम यहाँ पे कर देंगे आंसर बी ठीक है बी और ई e और सी बहुत सारा है बट बी इज द राइट आंसर होगा नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन स्पीड से करेंगे क्वेश्चन नहीं कहा वैसे भी साइड में बैठ जाता हूं तो यू कैन टेक योर टाइम क्वेश्चन ये भी छोटा है ये होने के बाद भी अक्षिता बंसन लिखे पहले भी कैट में एप्लीकेशन इतने होते थे अभी यही हैं सीट्स बढ़ गई हैं और अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई गई कि, कि इंडस्ट्री की डिमांड ज्यादा है इसलिए सीट्स बढ़ाई गई हैं ठीक है अब स्टूडेंट एमबीए नहीं करना चाहता वो अलग बात है बट

तो भैया अपना चेक करके निकलना ठीक है फर्स्ट क्या है मेजोरिटी ऑफ द एयर पैसेंजर्स मे चेक द फ्लाइट स्टेटस बिफोर स्टार्टिंग देयर जर्नी टू एयरपोर्ट अब इसके अंदर आपके पास जो आंसर है वो क्या दिया हुआ आपने पहले चेक कर लू बी और ए का बच्चा ई e लिख रहा है All right. और राइट ओनली वन लिखा है किसी ने ओनली वन मतलब फर्स्ट वाला लिख रहे हैं आप कि कौन सा लिख रहे हैं सेकेंड इज द गवर्नमेंट मे टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू दी नोटिस इशूड बाय द एल एन कंपनी गवर्नमेंट ये तो बिल्कुल ही रिलेवेंट हो गया मेजोरिटी ऑफ द पैसेंजर्स मे कैंसिल देयर टिकेट्स एंड पोस्टपोन देयर जर्नी टिल सिचुएशन बिकम नॉर्मल ये भी नहीं होगा ठीक है तो फर्स्ट इज द राइट आंसर और आंसर हमारे पास है बी ये तो थोड़ा आसान था फिर भी कुछ बच्चे गलत दे रहे थे बट ठीक है बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट ये तो छोटा है जल्दी करें स्पीड से जस्ट थर्टी सेकेंड्स अलग आंसर है ये

म क्वेश्चन प्रीवियसली डन यस इसके अंदर नाम चेंज किए थे सो आंसर इज थ्री इज मदर प्रॉम्पटली सेंड रिप्लाई टू हिस्स अब याद हो गया ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स के अंदर ठीक है अब समझ जाना कौन से एग्जाम्स और बहुत बार बच्चों ने गलत किया है तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिये ये वाला रूल आउट हो जाता है ये तो पक्का ही रूल आउट हो जाएगा आंसर बचता है ये वाला तो आएगा ही आएगा ठीक है ऑल राइट सो दिस वॉज दी फर्स्ट क्लास एंड बहुत बच्चे पूछे कोर्सिस के बारे में तो App का क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है इसके लिए आप एल्फोरी -E की वेबसाइट या ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हैं प्लस वी हैव की ये है जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो सारा कुछ बेसिक से पढ़ा रखा है प्लस वी हैव टेस्ट सीरीज एज वेल के लिए और स्नैप के लिए स्पेशली डिजाइन करते हैं तीन टेस्ट सीरीज बनाते हैं क्योंकि इसमें जितने मार्क्स आएंगे प्लस माइनस फाइव उतने ही आपके रियल एग्जाम में आएंगे ये गारंटी हमारी ठीक है सो दैट्स आर थैंक यू वेरी मच प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन की कैसा लगा हम फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन करेंगे ठीक है अगर आज थोड़ा सा देर हुई वरना तो मैं सेशन और भी कर देता अरेंजमेंट वाला देखेंगे अगर हो पाया तो मैं उसकी नोटिफिकेशन डाल दूंगा वरना फिर हम नेक्स्ट वीक करेंगे वो वाला सेशन अब इसके बाद पाँच बजे है एक वर्बल का सेशन वो जरूर अटेंड करिएगा पाँच बजे होगा राइट वे पाँच बजे वर्बल का सेशन होने वाला है ठीक है जी अक्षिता मैम ने की ओके जी थैंक यू वेरी मच